रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया ऐलान, 2 सितंबर से 6 सितंबर के बीच मुंबई लोकल चलेगी पटरी पर, और मुंबई की लाइफलाइन का क्या रहेगा गाइडलाइन, देखिए पूरी खबर में। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। आप सभी को हमने इससे पहले की खबर में बताया था कि 1 सितंबर से मुंबई लोकल चालू होगी, लेकिन यहाँ पर ये एक अपडेट है हम आपको बता रहे कि 2 सितंबर से 6 सितंबर तक 46 ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें JEE और NEET नीट के जो परीक्षा आ रही है, जैसे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोग ही लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। हमें मिली जानकारी के अनुसार, हमने भी जायज़ा लिया है, जो टिकट काउंटर है वहाँ पर हॉल टिकट दिखाने पर ही टिकट मिला जाएगा, लेकिन जब इतनी राहत दे सकते हैं रेल मंत्री कि 46 ट्रेनें चालू कर सकते हैं, तो उनको ये भी करना चाहिए था, जब स्टूडेंट परीक्षा के लिए जा रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एक स्पेशल बंदोबस्त रहे, जैसे कि कुछ ट्रेन के टिकट में इजाफा करें, या कुछ ऐसा स्टूडेंट के लिए करना चाहिए कि जो ट्रेन से उतरने के बाद भी एक स्पेशल बस भी चालू करना चाहिए उनको, कि उनका जो सेंटर है वहाँ तक छोड़ सके। और ये भी हम आपको बता दें, जो आम पब्लिक के लिए भी सोच विचार जारी है रेलवे की तरफ से, और जो आने वाले दिनों में जो भी फैसला रहेगा हमारे खबर के द्वारा हम आपको सूचित कर देंगे। और ये आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस जो कि एक्स CM रह चुके हैं, उन्होंने भी काफ़ी धन्यवाद किया रेलवे मंत्री का, और जो भी लोकल संबंधित जानकारी अगर हमें मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे, और जो भी लोकल की गाइडलाइंस रहेगी वो हम आपको बताएँगे। लेकिन इतना हमें अपडेट मिल चुका है, और जो जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन पूरी तरीके से किया गया है, एक एक करके एक एक सीट पर बैठाया जाएगा स्टूडेंट्स को, और जो भी जैसे सैनिटाइज़र है, जो मास्क है, उसको कंपलसरी कर दिया गया है, जब तक मास्क और सैनिटाइज़र नहीं रहेगा जो ट्रेन वाले उनको टिकट नहीं देंगे, ऐसी हमें जानकारी मिली है सूत्रों से। और हम आने वाले दिनों में ये भी बताएंगे आम जनता के लिए कब चालू हो सकती है ट्रेन, और जो 46 ट्रेन जो चालू की गई है परीक्षा के लिए वो हमने पूरी जानकारी दी। इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।